कल से कोई दिन ही नहीं रहा हमारी, तो गाड़ी एकदम वहाँ पे गई और काफ़ी इम्पैक्ट हुआ एकदम से। अच्छा यार फटके हाथ में आ गई, मतलब इतनी तेज ठंड थी ना, इतनी तेज ठंड थी, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। हम लोग आ गए हैं लेह से 100 किलोमीटर दूर। Why this auto rickshaw? I have no idea. We want you, we swap. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं नई जर्नी, नया दिन, और मैं जा रहा हूँ मनाली की तरफ। पैंगोंग लेक नहीं गए थे, वहाँ पर इतना गंदा रास्ता था, मतलब हम लोगों ने ना वहाँ के लोकल ड्राइवर्स और सबसे थोड़ा सा पूछा कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो गाड़ी देख के, बिकॉज ऑफ मेरे पास सेडान है, थोड़ी सी डाउन है, तो मना कर दिया लोगों ने कि ये गाड़ी लेके मैं, पर पानी भरा हुआ है, खड्डे हो रखे हैं, आई थिंक वो डबल रोड कर रहे हैं, इस वजह से पूरा रोड टूटा हुआ है। मैं हूँ अभी कारू पेट्रोल पम्प पे, और यहाँ से मनाली के लिए जाते हैं तो ये लास्ट पेट्रोल पम्प पड़ता है 350 किलोमीटर। यहाँ से कोई पेट्रोल पम्प नहीं है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, हम लोगों ने गाड़ी फुल करवा दी है यहाँ से और चलते हैं मनाली के लिए। पुल आया है, हम मनाली के रोड पर हैं और पुल कितना डेंजर है मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे कैसे है, क्या कर सकते हैं देखें। किसी लोकल से पूछा क्या? लोकल से कोई नहीं रहा, हमारी तो गाड़ी एकदम वहाँ पे गई और काफ़ी इम्पैक्ट हुआ एकदम से। अच्छा बाकी देखते हैं फॉर्चुनर आ रही है। देखो दोस्तों, मतलब इस पुल का हालत देखो, इस पुल की कैसे जाएंगे लोग, वहाँ से ट्रक आ रहे हैं, फॉर्चुनर आ रही है सामने से, पुल की हालत ये है, हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है। देखा, ऐसी तो रोड्स हैं, ऐसे तो पुल हैं, मनाली मतलब मत ही आओ तो ज़्यादा अच्छा है। भाई अब यहाँ से है ना 320 किलोमीटर मनाली रह गया है, और बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बर्फ है। और यार मैं, हम लोग रुके थे अभी सुसु करने के लिए, यार फटके हाथ में आ गई, मतलब इतनी तेज ठंड थी ना, इतनी तेज ठंड थी, मतलब हो सकता है प्रॉपर अगर अपन एक लमसम आइडिया लगाए ना तो माइनस में टेम्परेचर होगा आराम से, -8-10 डिग्री तो टेम्परेचर पक्का था जहाँ पे हम लोग रुके थे। और देखिए आउटसाइड व्यू, हम लोग बादलों के बीच में चल रहे हैं, आप देखिए लेफ्ट साइड में देखिए कुछ दिख नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे बादल दिख रहे, धुंध हो रहा है और बर्फ ही बर्फ है पूरे रास्ते में। तो ये रूट है लेह से लेके मनाली का। मजा आ रहा है यार भाई, बाहर बारिश हो रही है, -10 डिग्री, कांच खोल रखा है फिर भी भाई। कहीं नेटवर्क वगैरह अभी आया थी मुश्किल से, वो भी नेट नहीं चल रहा है। हाँ सो गाइस, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, हम लोग आ गए हैं
लेह से 100 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर टेम्परेचर अब पूछो मत कितना ठंडा हो रखा है, और कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था, ऊपर तो चक्कर आ रहे थे, थोड़ी सी स्नो भी गिर रही थी, बर्फ़ थी बहुत ज़्यादा। और ये इस जगह, इसका नाम है दिब्रिंग, ये है लेह से 100 किलोमीटर दूर, और यहाँ से जाना है मनाली जो है यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, तो अभी तो आधा रास्ता भी नहीं आए हम लोग, लेकिन ठंड का क्या कहना, कुछ खाते हैं, भूख भूख लगी है, फिर चलते आगे। हाँ, क्या क्या बना रहे हो आप हमारा? आपका बना रहा है एक मैगी ऑमलेट। तो गाइस लग चुका है ऑलरेडी, देखो पराठा आशीष भाई खा भी चुका है, दिखा भी चुके हैं। और ये ऑमलेट साथ में एक बनवाई है, मैंने बनवाई है एक मैगी ऑमलेट आल्सो, वो और अभी आने वाला है, ये दूसरा पराठा है, बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं क्योंकि भूख लग रही थी, तो एक तो सल्टा दिया, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। वैसे यहाँ पर अगर आ रहे हैं आप इस रूट से मनाली जा रहे हो तो आप यहाँ पर रुक सकते हो, खा सकते हो, बट टेस्ट वॉज गुड, सब कुछ अच्छा है, बट ठंड है, ठंड का मज़ा भी ले रहे हैं। बहुत आपने क्या क्या लगवाया है? दो ऑमलेट, और एक मैगी ऑमलेट, दो पराठे। देखो मैगी ऑमलेट है ये, क्या बात है, क्या बात? इसको देखो, उसका सूप भी है इसके अंदर मस्त वाला। चलो लेते हैं ठंड का मजा। इस टूर का इतना मजा आ रहा है, आउटसाइड व्यू इतना शानदार है, बस ठंड लग रही है खतरनाक वाली, और उस ठंड में भी चल रही है मेरी रेड बुल। भाई कुछ सजेशंस है आप लोगों के लिए, मैं इतनी देर से वीडियो में नहीं आ पा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन देखो, सामने देखो आप क्या रीजन है जो मैं वीडियो में नहीं आ पा रहा हूँ, सिर्फ आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। तो मतलब मैं आपको एक सजेशन दूंगा, मेरी तरफ से एक सजेशन है, आप आ रहे हो, आप शौकिया आ रहे हो, आप यहाँ टूर पे आ रहे हो, आप आ सकते हो, देखो मैं मना नहीं करूँगा, बट इतना गंदा रूट है ना बीच में, इतना गंदा रूट है, मेरी 4 बार नीचे से गाड़ी टकराई है, और ऐसे पुल के ऊपर से निकला हूँ जहाँ पर गाड़ी का टायर अंदर घुस सकता था। अभी देखो आप, ये देखो कितना गंदा है, देखो ये देखो। तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप आओ, फैमिली को लेके मत आओ, फैमिली को लेके अगर आप ले घूमने जा रहे हो तो बाय फ्लाइट जाओ, ले घूम के वापस बाय फ्लाइट आ जाओ, मतलब आप अकेले आ रहे हो, आप यंग हो, लड़के हो, तो कोई बात नहीं, आप आ सकते हो अपनी गाड़ी लेके, मैं तो सेडान लाया हूँ, देखो आप एक्सयूवी लाओगे तो ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज ऑफ इतनी ऑफ रोडिंग गाड़ी है, खासकर बच्चों को तो बिल्कुल मत लेके आना इस रोड पे, मेरी तरफ से आपको ये सजेशन है। राजस्थान में कहाँ पे? राजस्थान में कहाँ? जैसलमेर। जैसलमेर तो ऑटो क्यों? मजे लगी। चलो जी, रब रखा। देखो दोस्तों स्नोफॉल हो रही है, फाइनली स्नोफॉल देखने को मिल गई। ये देखो यार, बाहर ने स्नोफॉल हो रही है, हम लोग अभी भी मनाली से 200-250 किलोमीटर दूर है, बट अभी यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, देखो। बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है। Why this auto rickshaw?
रही थी ऑटो रिक्शा। यहाँ से ले जा रहे हो मनाली से? क्या बात, कब निकले थे? चार दिन पहले निकले थे। क्या बात है, रात को स्टे वगैरह क्या करते हो? हमारे साथ वो असिस्टेड कैंप होता है सर। अच्छा, कैंप वगैरह है, बीच में कहीं भी लगा लेते हो टेंट? नहीं, लोकेशन होता है जिसे यहाँ लगाएंगे। अच्छा, क्या बात है। मतलब ये 2-2.5 किलोमीटर ही है ना, उसके बाद तो साफ रोड है ना पूरा, फिर वहाँ तक मनाली तक। क्या बात है, चलो थैंक यू, एंजॉय, सेफ ड्राइव, बाय। सो गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं मैंने 2000 किलोमीटर्स की राइड कंप्लीट कर दी है और हम लोग जा रहे हैं अभी मनाली के लिए। और यहाँ से मनाली अप्रॉक्स 170 किलोमीटर्स दिखा रहा है मुझे। और आप रोड देख सकते हो कितना, मतलब इतना ऑफ रोडिंग रोड चला के आया हूँ मैं इस गाड़ी को। Sorry, I'm so bad.